नमस्कार, स्वागत है आपका एशिया न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मनोहर कुमार। क्या झारखंड में आने वाले समय में करीब 70% खेतों में खेती नहीं हो सकेगी? जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है। वैसे तो जनाब झारखंड हरियाली के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन लहलहाती फसल और झूमते जंगल क्या अब महज कहानियों में रह जाएंगे? ऐसे सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि विकास के नाम पर जंगल तो कट ही रहे हैं, अब खेतों की उर्वरता भी नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है। इसकी पुष्टि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की ताजा रिपोर्ट करती है, जिसने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में क्षरित भूमि के मामले में झारखंड पहले नंबर पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में भूमि उत्पादकता तेजी से घट रही है। 2003 से 2005 में 9,45,00,000 हेक्टेयर जमीन ऐसी थी जिसे क्षरित भूमि बताया गया था। वही साल 2018 से 2019 में 9,78,00,000 हेक्टेयर जमीन इस श्रेणी में आ चुकी है। सिर्फ झारखंड ही भूमि क्षरण का शिकार नहीं हो रहा, बल्कि दूसरे भी अलग अलग कारणों से इसकी चपेट में आ रहे हैं। अगर झारखंड में 68.77% भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही है तो वही राजस्थान में 62.06%, दिल्ली में यह आंकड़ा 61.73%, इसके अलावा गोवा में 52.64%, गुजरात में 52.22%, नागालैंड में 50%, महाराष्ट्र में 43%, त्रिपुरा में 42%, लद्दाख में 42%, कर्नाटक में 36%, उड़ीसा में 34% और तेलंगाना में 31% भूमि इससे प्रभावित हुई है। उर्वरता की कमी के कारण कई है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार आजकल लोगों खेती में रसायन का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, जिससे वनस्पति का क्षरण होता है। इसीलिए जमीन की उर्वरता कमी होने में 31% रासायनिक कारक भी जिम्मेदार है। वही जंगलों की कटाई भी जोरों पर है, जिससे पानी तेजी से नीचे उतरता है। पानी के तेजी बहाव के कारण मिट्टी की उपजाऊ परत बह जाती है। भूमि क्षरण के लिए 37% जंगल की कटाई भी जिम्मेदार है। अगर आप अभी भी सचेत नहीं होते हैं तो आने वाले समय में खेतिहर जमीन सिर्फ नाम मात्र की रह जाएगी। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि कम से कम कीटनाशक का प्रयोग करें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। धन्यवाद। देखते रहिए एशिया न्यूज।